अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। फ़िलहाल जो है समुंदर के साथ साथ थोड़ी सी मैंने कहा वॉकिंग की जाए और एक व्लॉग आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि यार आपका गिला शिकवा ना रहे। जैसे कि अभी आप देख सकते हो यार, ये समुंदर के साथ साथ ना इस तरफ भी, और अगर मेरे पीछे की तरफ भी मैं देखूँ ना, तो कश्तियाँ लगी हुई हैं। ये मोस्टली ज़्यादातर प्राइवेट ही हैं, मतलब अगर आप डेली टूर के लिए भी बुक करना चाहो तो ऐसे जगह जगह पे जो है ना पॉइंट्स बने हुए हैं। मुझे बड़े अच्छे से याद है कि यार मैं अगर इस तरफ को थोड़ा सा और मज़ीद पीछे जाऊँ ना, तो रास्ते में एक मरीन आती है, ठीक है। मरीन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद जो है समुंदर पर ज़्यादा काम करता हूँ, या समुंदर की साइड पर ज़्यादा काम करता हूँ जब से इस्तांबुल में हूँ। इस्तांबुल में क्या, तुर्की में जब से हूँ यही मेरा सिस्टम चल रहा है कह लो। तो इंशाल्लाह इरादा है मेरा भी समुंदर पे काम करने का। तो अभी पीछे जो है ना यार, आते हुए मैंने रास्ते में एक स्टॉप देखा था कश्तियों का ना फेरी स्टॉप, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ स्टॉप पे जाके देखें अमीनानों या बेशिक ताश को बात अशकादी कोई किसी भी साइड की अगर कश्ती मिलती है ना, तो बैठते हैं कश्ती में यार, कश्ती में सैर करते हुए चलते हैं, फिर आपको समुंदर भी दिखाते हैं थोड़ा सा। और अगर तो उस स्टॉप पे से कोई भी कश्ती नहीं चलती, फिर ये भाई रोड पे साथ साथ बसें चल रही हैं, बेशिक ताश की बस पकड़ेंगे और बेशिक ताश चलेंगे, क्योंकि बेशिक ताश मेरा बहुत ही फेवरेट पॉइंट है। बेशिक ताश पे जो है ना यार समुंदर का व्यू जो है ना बड़ा खूबसूरत और बड़ा ही प्यारा आता है। वैसे अभी जो है ना मैं अगर बात करूँ इस्तांबुल के तीन ब्रिज हैं, तीसरे ब्रिज के पास, मतलब मेरी बैग्स पे मैं अगर 2 किलोमीटर और आगे चला जाऊँ ना तो तीसरा ब्रिज आ जाएगा, और मैं फ़िलहाल दूसरे ब्रिज की साइड पे जाना चाहता हूँ। जाना तो मैं फर्स्ट ब्रिज के साइड पे चाहता हूँ, बेशिक ताश जो है उससे भी आगे है, मतलब बॉस्फोरस ब्रिज बोलते हैं उसको, तो मैं उससे भी आगे जो है ना जाना चाहता हूँ। लेकिन समुंदर की जो लहरें हैं ना आज, वो देखने वाली हैं। इस साइड से तो नज़र कम ही आ रही है, मैं आपको उस साइड पर दिखाता हूँ पीछे, वो उधर पीछे अगर आपको नज़र आ जाए। अब मोबाइल का कैमरा इतना ज़्यादा तो है नहीं कि आपको पूरा जूम करके दिखा सके, ऊपर से मैं सेल्फी स्टिक यूज़ कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है यार वो सामने रास्ते में आप कश्ती देख रहे हो, मुझे लग रहा है जो मैंने सोचा था वैसा होगा, ये कश्ती शायद उसी स्टाफ की तरफ जा रही है, तो मुझे भी थोड़ी स्पीड पकड़नी चाहिए। अगर तो ये कश्ती अमीनानों या बेशिक ताश वाली साइड पर जाती है तो भाई बैठते हैं इसी कश्ती में और चलते हैं, कश्ती की स्पीड बहुत है, तो मैं भी थोड़ी स्पीड बढ़ा लूँ, कश्ती के स्टॉप पे जाके देखते हैं क्या हिसाब किताब है और आपके साथ शेयर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, फ़िलहाल कश्ती तो मैं पकड़ नहीं सका, क्योंकि कश्ती की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और मैं ज़रा वीडियो के चक्कर में काफ़ी स्लो वॉकिंग कर रहा था और मिस कर दी मैंने। अभी अगली कश्ती जो है ना यार, वो 4:25 पे आनी है, मतलब पूरा एक पौना घंटा पड़ा है कह लो, तो पौना घंटा यार कौन वेट करे। बहरहाल मैंने सोचा बस पकड़ते हैं और बस में निकलते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट मैं नहीं कर सकता, इतने ज़्यादा वेट का मैं जो है ना बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ। बहरहाल यार ये कुछ कश्तियाँ खड़ी हैं, मैं सोचा आपके साथ ये शेयर की जाएँ, ये आपको दिखाई जाएँ, क्योंकि आने वाले वक्त में मेरा दोबारा से जो है ना मूड बन रहा है यार कश्तियों में काम किया जाए। आपको दिखाता हूँ ये पीछे जो ग्रीन कश्ती देख रहे हो बड़ी सी, ऐसे तो इधर कुछ लोग मछलियाँ ऑलरेडी पकड़ ही रहे हैं, लेकिन ये कश्ती भी जो है ना, ये नहीं बल्कि ये जो दोनों कश्तियाँ हैं हरी और नीली, बिल्कुल साफ बता रही हैं कि लोग जो है ना मछलियाँ पकड़ते हैं समुंदर में, क्योंकि इनकी मछलियों कश्तियों पे जो सामान है वो वैसे ही है। बहरहाल यार बड़ा दुख हो रहा है कि कश्ती मैंने मिस कर दी। खैर ये भी नसीबों का खेल है, ये कश्तियों की बातें बात कर रहा था मैं, सॉरी ये दोनों कश्तियों की बात कर रहा था मैं। ये कश्तियाँ ऐसी लग रही हैं जैसे जो है ना समुंदर पर जा कर सही मछलियाँ पकड़ती हैं फुल टाइम, सामान वगैरह मछली पकड़ने वाले ही ना जाले झूले जो होते नहीं मछली पकड़ने के लिए। दोनों कश्तियाँ ऑलमोस्ट सेम ही हैं, सिर्फ रंगों का फ़र्क है,
इस कश्ती में भी देखो, एक पीछे नीली कश्ती लगाई हुई है छोटी सी, और हरी कश्ती में भी ऐसे ही था। तो यार वो इशारे से थोड़ा कर पीछे जाना है, वहाँ पे स्टॉप है। कश्ती तो मैं मिस कर चुका हूँ, तो आप बस पे करते हैं और चलते हैं। एक मरीन जो मैं आपको बता रहा था, मरीन पे चलते हैं, देखते हैं मरीन का क्या हिसाब है। बाकी मरीन पे जाके आपको बताते हैं। और आज की इस वीडियो में जो है ना यार, ये कुत्तों से मुझे जो है ना, यकीन मानो बड़ा डर लगता है। खासकर ये सेल्फी स्टिक जब भी देखते हैं ना, पीछे कुत्ते देख रहे हो, अलग भौंकना शुरू हो जाते हैं ऐसे ही। उनको लगता है कि स्टिक है, किधर बंदा मार मूर ना दे। हमें जानवर हैं, वो भी क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे फिर भी बहुत डर लगता है, क्योंकि भाई जानवर का कोई भरोसा नहीं, चाहे पालतू है तो चाहे जो भी है, कभी भी काट सकता है आपको। ठीक है, एहतियात बेहतर है। ओ यार, स्टॉप के पास आने वाला हूँ, फिर स्टॉप पे चलते हैं और बैठते हैं, देखते हैं हमारी बस कितनी देर में आने वाली है और कितनी देर में नहीं आने वाली। मैं ज़रा इधर से इशारे से रोड क्रॉस कर लूँ, फिर आगे जो है ना रोड क्रॉस करने में बड़ा इशू रहता है। हाँ दोस्तों, फिलहाल जो है ना मैं बस में, वैसे मास्क की टेंशन रहती है और ज़्यादा ऊँची भी नहीं बोल सकता, क्योंकि लोग जो है ना सारे मेरी तरफ मतवजा हो जाएंगे। जैसे शहरे के सामने मैंने आपको बताया था, वहाँ से बस ली है 40B डायरेक्ट बेशिकताश जाएगी। मेरा इरादा है बेशिकताश को थोड़ा विज़िट करें, जहाँ तक मुझे याद है ये बस तकसीम तक जाती है। ठीक है, तकसीम से भी आप ये बस ले सकते हो, 40, 41, 42 इस तरह से। बाकी मुझे तो बेशिकताश जाना है फिलहाल, तो बेशिकताश की बस उतारेगी, देखते हैं कि ये बेशिकताश, क्योंकि बेशिकताश भी जो है ना बसों का अड्डा है, जहाँ से हर जगह जगह की बसें निकलती हैं। तो देखते हैं ये बेशिकताश जा रही है या आगे भी जाती है। तो अगर बेशिकताश भी जा रही है तो वेल एंड गुड है भाई, जिसने भी जगह आना हो तो इस बस से भी आ सकता है, ट्रेन से भी आ सकता है, जैसे दिल करे यार आ सकता है। मेरा मकसद आपको बताने का ये था यार, ये जो है ना फिलहाल छोटे रोड हैं, मतलब गली टाइप, गली मोहल्ले टाइप रोड है, तो ट्रैफिक का थोड़ा रश ज़्यादा है। पीछे का मंजर मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन आगे ऐसा ही है। सामने आप ट्रैफिक देख लो कैसी है। चलते हैं यार, फिर मिलते हैं आपसे पेशिकताश में।